व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और यार आज मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखिए शेड बिल्कुल खाली कर दिया हमने, साफ कर दिया, क्योंकि हमारे पास मुर्गे की क्वांटिटी बहुत कम थी मुर्गियों की, तो इसलिए मैंने शेड को जो गंजा कर दिया और यहाँ से पार्टीशन कर दिया। तो रात को ये इस दड़बे में चले जाते हैं, इसमें ठीक है, इसमें एक 100 वाट का बल्ब है, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है 100 वाट की बल्ब की, क्योंकि ऑलरेडी ये कुछ ऐसे हैं कि इसके अंदर हीट बन जाती है और नीचे जो बुरादा होता है अपना गेहूं का बुरादा, जिसे तूड़ी कहते हैं हम, ठीक है, वो है इसके नीचे। तो ये पहले थोड़ा सा लीक होता था, इसमें चूजे वाली मुर्गी थी, ठीक है, चूजों वाली मुर्गी का ऐसा हुआ कि इसमें पानी चला गया और उसके बाद मेरे को इसके जो भी यहाँ से भी ये पानी जा रहा था इसमें उसको बंद करना पड़ा, और उसके बाद मैंने इनको मुर्गियों को सबको इसमें शिफ्ट कर दिया। और मैंने ये एक और चीज़ की है, ये हमने पानी रखा है, ये हमारी मुर्गियाँ फिर रही हैं, और भाई सब मुर्गियाँ जो कि अंडे पे आई हैं मेरे इस जुगाड़ से, ये हरा चारा जो मूली के पत्ते वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ सभी ऐसे खेती करते हैं छोटी छोटी अपनी फार्मिंग, जैसे घर में मूलियाँ उगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी गोभी वगैरह की जो सब्जियाँ हैं, बेल वगैरह लगाते हैं, तो उसका जो वेस्टेज माल बचता है, ठीक है, जैसे हरा पत्ता भी इंसान तो नहीं खाएगा, ठीक है, तो वो मैं उनसे ले आता हूँ और मेरे को कोई मना भी नहीं करता, ठीक है, आस पड़ोस में ही, तो मैं ला के यहाँ पे फेंक देता हूँ, तो बढ़िया खाते हैं ये लोग। और यहाँ पे मैंने कुछ दाना डाल दिया है, दाना डालने का मतलब ये था, अगर इनको ज़्यादा भूख लगे तो ये दाना खा लेंगी। और भाई सबसे मेन चीज़ है जो मैंने इनको वेस्टेज, घर की वेस्टेज, जैसे दिखाता हूँ, जैसे ये देख सकते हो आप, इसमें मेरी चाय पत्ती, जिसमें हम चाय में सौंफ वगैरह डालते हैं, इलायची वगैरह, तो इलायची सौंफ वगैरह इनके लिए बुरी तो नहीं है, बढ़िया है, जहाँ तक मैंने सुना है कि अच्छी होती है ये सेहत के लिए, और शायद इससे अंडे भी देती हूँ, पर चाय पत्ती से 100% अंडे देती हैं मुर्गियाँ, 100% अंडे देती हैं मुर्गियाँ चाय पत्ती से। यहाँ पे अंडों के छिलके भी थे जो इन्होंने रगड़ दिए, सब खा लिए, ठीक है, ये देखो ये फिर रहा है बच्चा, तो ये 1 मंथ का बच्चा है, और ये जो जो हमारी होती है गोभी, उसके जो डंडे होते हैं, तो उनको छोटा छोटा काट के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको ये आराम से खा सके, ठीक है, तो बस यही किया है मैंने। तो 12 घंटे ये खुले रहते हैं, और रात को खुद ही 5-5:30 के आसपास ये उस दड़बे में चले जाते हैं, जिसको मैं अच्छे से ढक देता हूँ, उसको मैंने डबल पन्नी से इसीलिए ढका है, वैसे तो मैंने उसके छेद भर दिए थे जहाँ से पानी लीक हो रहा था, तो मोटिव मेरा ये था उसको इतना ढकने का कि इनको नीचे ठंड ना लगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 5.5 इंच की जो उसके ऊपर छत है, स्लैब है, ये देखो 5-5.5 इंच की स्लैब है, ये बड़ी मजबूत है, इस पर मैं भी ऊपर खड़ा जाता हूँ, ये है, इससे इनको ठंड तो नहीं लगेगी, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इनके ऊपर वहाँ तक ठंड पहुँचे ही ना, तो मैंने ऊपर दरियाँ जो पड़ी थी और नीचे पन्नी, ठीक है, ये डाल दिए। यहाँ पे मैंने गैस निकलने को रखी थी, बट मैंने एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इससे पानी जा रहा था अंदर, तो मैंने उसको बंद ही कर दिया, ठीक है, अभी ये जाली लगा दी थी इस और, ठीक है, ये खुटा यहाँ से यहाँ तक था, ये बिल्कुल देसी जुगाड़ था यहाँ पे, तो उसको बिल्ली कभी भी तोड़ सकती थी, वैसे हमारे बिल्ली नहीं आती, बिल्ली आती थी हमारे इसलिए क्योंकि अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से किया होगा वीडियोस में, यहाँ पे एक टाली बड़ी सी पेड़ था, ठीक है, जिसके सहारे वो बिल्ली इस छत पे आती थी, इस वाली पे, पड़ोसियों की छत पे, और वहाँ से हमारी नीचे वाली छत है जो, उस पर आती थी, यहाँ सीढ़ियों से यहाँ पर आती थी,
तो यहाँ से बिल्ली आती थी, ठीक है। तो हमने बिल्ली का झंझट ही ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने वहाँ से जो पेड़ था वो काट दिया। अब बिल्ली का जिस ओर से रास्ता था वो तो कट गया। अभी इन घर इनके पास भी डॉगी है, तो मेन ये भी था कि इनके ऊपर मोमटी नहीं थी, मोमटी थी नहीं और दरवाज़ा भी नहीं था। तो बिल्ली नीचे से ऊपर चढ़ती थी और मोमटी से निकल के सीढ़ियों से ऊपर आती, यहाँ से इसी छत पे आती थी। बिल्ली को सिर्फ रास्ता यही था भाई, जो ये वाला है, हमारी सीढ़ियाँ से ही चढ़ सकती थी वो ऊपर, क्योंकि आसपास की दीवारें ऊंची हैं, वहाँ से छलांग लगा कर यहाँ नहीं आ सकती। यही मैंने इसीलिए वहाँ पे ये सामान रखा था दीवारों पे कि अगर बिल्ली आए तो ईंट गिरे और मेरे को मालूम पड़े कि बिल्ली आई है, ठीक है। और एक और तरफ से आती, एक यहाँ से भी बिल्ली आती थी। तो हमारी नीचे जिम्मी और भालू होते हैं, किसी को नहीं आने देते। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, बताना था कि हमारे यहाँ पे अभी हम बिल्ली मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली भी नहीं आएगी, बिल्ली का बाप भी नहीं आएगा यहाँ पे, मेरे को मालूम है। अगर आएगा भी तो मेरे पास ये हैं दोनों, ये इसको पीटते हैं, ठीक है। ये बेचारी पिट जाती है इनसे, तो देख लो अभी ये कुत्ते को पीट सकते हैं, तो बिल्ली तो इनके सामने क्या है। वैसे भी मेरी मुर्गियां सभी मैंने जो डबल एफ जी वगैरह थी, RIR वगैरह, उनको बिल्कुल ही कम कर दिया है। देख लो आपके सामने 3 मुर्गियां हैं सिर्फ, ठीक है। ये भी मेरी फेवरेट थी इसीलिए मैंने इनको छोड़ा है, नहीं तो मैं अभी इनको भी सेल कर देता, बट अब मैं इनको सेल नहीं करूँगा, इनके जैसी और 2-3 लाऊँगा। तो बिल्ली यार, पहली बात तो ये आपको मालूम ही है कि असील और देसी को बिल्ली जल्दी नहीं पकड़ती, क्योंकि जो देसी मुर्गी होती है हल्की होने के कारण जल्दी उड़ जाती है या फिर वो उसका विरोध करती है, उसको मारने आती है, ठीक है। ये आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप कभी भी देख लेना, आपकी जो डबल एफ जी है वो जल्दी बिल्ली का शिकार बनेगी, जो प्योर देसी है या असील है वो जल्दी बिल्ली उसको नहीं पकड़ती और ना ही वो पकड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हमने प्योर देसी और असील का माल ही है ज़्यादातर हमारे पास। जो चिक्स बड़े होंगे ये भी रखेंगे, और कुछ और मुर्गियां हम जो कि लाने वाले हैं, कुछ और मुर्गियां लाएंगे जो कि आपको ही दिखाएंगे, और हर रोज़ का अपडेट दिया करेंगे अब भाई, क्योंकि बहुत हो गया यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियोस हम बहुत कम डालते हैं, मेरे को मालूम है। और आपको जो मैंने बताया था कि गिव अवे जारी है हमारा, ठीक है, उसका जब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे हम तब अनाउंस करेंगे, और उसके लिए आपको लाइक कमेंट और शेयर करना है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। मेरे को मालूम है सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, 1000 सब्सक्राइबर करने को बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप लोग चाहें तो जल्दी हो सकता है ये। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार आपको